नमस्कार बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या है और उससे रिलेटेड वीडियो, what is saprotrophic mode of nutrition and what is the importance of saprophytes in our lives. At the end of the video, we will discuss about frequently asked question related with this topic. So let's start, children. Basically, there are two different modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. जैसा कि last video में आपको मैंने बताया था, autotrophic means self-nutrition. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड सिंथेसाइज करता है यूजिंग सम रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज स्टार्च। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है टू ऑब्टेन इट्स फूड। इसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर एनिमल्स शो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर शोइंग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता, वो खुद अपने आप फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते और ऐसे में न्यूट्रिएंट्स के लिए उन्हें दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और इसलिए उनमें होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, उन्हें ब्रॉडली हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स। टू बिगिन विद इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है? क्या ये प्लांट ऑटोट्रॉफिक नहीं है? बच्चों, ये प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जिस तरह के लैंड में ये ग्रो करते हैं उसकी सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। इस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंडिया के ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको इस तरह के प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, इसके भी नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस प्लांट की जो मेन बॉडी है वो पिचर शेप की होती है, जग जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में, जो कि एक्चुअली में उसकी मॉडिफाइड लीफ है। इस लीफ के अपर पार्ट में एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आसानी से ओपन या क्लोज हो सकता है। जब भी कोई इंसेक्ट पिचर पर आता है, स्लिप होकर पिचर के अंदर गिर जाता है, लिड क्लोज हो जाती है और फिर प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सनड्यू प्लांट। इस प्लांट की लीव्स बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और उनमें एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। जब भी कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उसकी लीव्स के ऊपर बैठता है, उसके साथ स्टिक हो जाता है, प्लांट उसे फूड के लिए डाइजेस्ट कर लेता है। थर्ड एग्जांपल इज वीनस फ्लाईट्रैप। इस प्लांट में टू लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई इंसेक्ट जब उन लॉब्स के बीच में ट्रैप होता है तो वो दोनों लॉब्स आपस में क्लोज हो जाते हैं, इंसेक्ट कैप्चर हो जाता है। ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट की पिक्चर्स हैं। This is Venus flytrap. ये इसके दो लोब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसके आगे आपको बिल्कुल कांटेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्लोज होने के लिए। This is pitcher plant. ये इसका पिचर शेप है, जो कि एक्चुअली में लीफ थी और इसके ऊपर ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है, इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। This is sundew plant. Attractive leaves with sticky material to trap the insect. Let's observe through a video कैसे इंसेक्ट ट्रैप हो रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप में। इसके दोनों लोब्स क्लोज हुए,
इंसेक्ट अंदर बंद हो गया। ये फील्ड आपको दिखा रहा है पिचर प्लांट्स को। दिस इज पिचर विद अ लिड। इंसेक्ट आया, अंदर गया, लिड क्लोज हो गया और इंसेक्ट टोटली इसके अंदर ट्रैप हो गया। इस तरह से इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट कम्स सिंबायोटिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और फूड एंड शेल्टर को शेयर करते हैं। इसकी वजह से दोनों को ही फायदा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकेन्स। लाइकेन्स में दो पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट पार्टनर इज एल्गे, जो कि ग्रीन कलर का होता है और खुद फूड सिंथेसाइज करता है और फंगाई को भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पार्टनर इज फंगस, जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गे तक पहुंचाता है। तो दोनों को ही फायदा है, एल्गे को रहने की जगह मिली और फंगस को फूड। सिंबायोटिक रिलेशनशिप का एक और एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहता है। दिस पिक्चर इज शोइंग द रूट्स ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट। ये इसमें रूट नोड्यूल्स हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। प्लांट्स कभी भी एयर में से नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में चाहिए। और ये बैक्टीरिया राइजोबियम एयर में से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और बाद में प्लांट को प्रोवाइड कर सकता है। प्लांट उस नाइट्रोजन कंपाउंड का इस्तेमाल करके प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो प्लांट को फायदा हुआ कि प्लांट में फूड सिंथेसाइज हुआ। राइजोबियम को क्या फायदा हुआ? राइजोबियम खुद अपना खाना नहीं बना सकता और ना ही उसके पास रहने की जगह है, तो प्लांट उसे रहने की जगह भी प्रोवाइड करा रहा है और खाना भी। तो वो था बेनिफिटेड, दैट मीन्स सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप प्लांट और राइजोबियम के साथ साथ फार्मर्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि फार्मर्स को अपनी सॉयल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायरेक्टली बैक्टीरिया ही उस नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में प्लांट्स तक पहुंचाएगा। दिस वीडियो इज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन्स ग्रोइंग इन डिफरेंट एरिया। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जिसमें दो पार्टनर है एल्गा एंड फंगस। फंगस वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही है, एल्गा जिसके पास क्लोरोफिल है फूड सिंथेसाइज कर रहा है। ग्राम प्लांट, बीन प्लांट, इन सभी प्लांट्स में देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि उसे नाइट्रोजन मिल जाता है। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट कम्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं होस्ट और सेकेंड को हम कहते हैं पैरासाइट। होस्ट ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करता है और पैरासाइट उन सभी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिज्म फायदेमंद वाली स्थिति में होता है, कौन सा? पैरासाइट, जो कि न्यूट्रिएंट्स उसे आसानी से मिल रही है, रहने की जगह मिल रही है, लेकिन होस्ट को इसके बदले में कुछ नहीं मिलता। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म इज नॉट एट ऑल बेनिफिटिंग। इसका एग्जाम्पल है कसकटा या फिर अमरबेल प्लांट। अमरबेल प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, इससे वो दूसरे प्लांट के रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का प्लांट है जिसकी लीव्स आपको नजर आ रही हैं, और येलोइश कलर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी अमरबेल है। अमरबेल प्लांट को चारों तरफ से क्लाइम करेगी और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। सो दिस इज कसकटा और अमरबेल। प्लांट के ऊपर क्लाइम कर रही है ये, फिर इसमें हॉस्टोरिया डेवलप हुए और ये हॉस्टोरिया मेन स्टेम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। दिस इज हाउ कसकटा टेक्स इट्स न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को लेता है। कोई भी सड़ी गली चीज है उसमें जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है उसे वो ब्रेक डाउन करेगा
उसमें से सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका एग्जांपल है फंगी, जो कि सड़ी गली चीजों पर ग्रो करती है। सेप्रोफाइट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज एज अ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसे ब्रेक करेंगे और सिंपल एलिमेंट्स कार्बन नाइट्रोजन वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ दीज मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम। ये मटेरियल्स फिर से रिसाइकल होंगे, प्लांट इन्हें फिर से यूटिलाइज करेगा और नए कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेगा विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड लेटर ऑन इन एनिमल्स। थर्ड रोल इज क्लीन्स द एनवायरनमेंट। क्योंकि सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके हटा रहे हैं तो एनवायरनमेंट क्लीनिंग एजेंट की तरह भी ये बहुत ही यूजफुल है। एट द एंड लेट अस डिस्कस सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट की बॉडी में से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि सैप्रोट्रॉप्स सड़ी गली चीजों से डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आप इनका एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें रहने वाले दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस, जिसमें एल्गी एंड फंगी बोथ आर बेनिफिटिंग ईच अदर। एल्गी इज प्रोवाइडिंग द रेडीमेड फूड एंड फंगस इज प्रोवाइडिंग वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर टू द एल्गी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स इन द एनवायरनमेंट। सो सैप्रोट्रॉप्स आर एक्टिंग एज अ डिकम्पोजर। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ म्यूटेंट एज वेल एज दे आर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ब्रॉडली टू कैटेगरीज आप शो करेंगे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। और फिर उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आप सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जिसके हमने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे वीडियो में, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट्स, सनड्यू प्लांट्स। यू कैन गिव एनी वन एग्जाम्पल। Name the following. A parasitic plant with yellow cylinder and branch stem, that is definitely amarbale or cascata. A plant that is partially autotrophic, तो इसमें आप example insectivorous plants का देंगे, जो कि autotrophic mode of nutrition भी show करते हैं और insects को भी खाते हैं, यानी heterotrophic mode of nutrition भी होता है। The pores through which leaves exchange gases, so this is stomata. That's all in this video. बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।